summarization and how to calculate summary errors supernetting and how to calculate supernet address. Tips and trick calculate network ID, broadcast ID, first valid IP, last valid IP, valid range of IP, subnet mask, block size, next network ID, IP address is valid IP और not. तो ये वो टॉपिक हैं जो हम डिस्कशन करेंगे आईपी एड्रेसिंग एड्रेसिंग के अंदर. इट विल टेक अराउंड 5 or 6 hours. स्टार्ट करें. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज आईपी एड्रेस. नोट डाउन. It's a unique identity of a host. It's a unique identity of a host. Second point, IP address is a logical identification. IP address is a logical identification of a host. Next point, host can be any device. That works on IP address. Next point, IP address can be either on LAN segment or WAN segment. IP addressing. IP addressing. It consists of following parts. First point, planning of IP address. इन जनरल जो बुक्स के अंदर लिखा होता है वही लिखा होता है आईपी एड्रेसिंग के बारे में कि एलोकेशन ऑफ द आईपी एड्रेस. ठीक है, जबकि आईपी एड्रेसिंग है ये कॉम्बिनेशन है 4 पार्ट्स का. ठीक है, पहला पार्ट है प्लानिंग ऑफ आईपी एड्रेस, सेकंड इज डिजाइनिंग ऑफ आईपी एड्रेस, एंड थर्ड पार्ट इज
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपी एड्रेस, एंड फोर्थ पार्ट इज ट्रबल शूटिंग ऑफ आईपी एड्रेस। IP addressing is the name of the four parameter: planning, designing, implementation, and the troubleshooting. Not a single part allocation of the IP address. Now come to the next topic: version of IP address. Version of IP address. Generally, जो हम देखते हैं IP के version हमें पता होते हैं, दो version होते हैं, IPv4 होता है और IPv6 होता है, but आईपी के जो वर्जन है वो होते हैं IPv0 to IPv15। आईपी के 16 वर्जन होते हैं, 16 वर्जन, जिसमें से हम यूज करते हैं IPv4 एंड IPv6 नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में जो वर्जन यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं IPv4 and the IPv6। बाकी वर्जन कहाँ पर यूज होते हैं, अगर आपने स्टडी करना हो अपने रेफरेंस के लिए, तो एक बुक का नाम आप नोट कर सकते हैं। बुक का नाम है TCP/IP Volume 1, एंड ये बुक है CCI का, और इसके राइटर है JEFF DOYEL। तो इसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं दे रखा, एक बुक के अंदर दे रखा है एक टेबल बनाकर कि ये वर्जन नेटवर्किंग में होगा और ये वर्जन रिजर्व्ड है और ये आने वाला फ्यूचर के लिए। अभी जो हम स्टडी करेंगे, आज का टॉपिक हमारे पास है वो IPv4 के बारे में ही सारा पढ़ेंगे, तो अब जितना भी हम पढ़ेंगे IPv4 के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPv4। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPv4। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPv4। IPv4 का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होती हैं, 8। बाइनरी के अंदर कितनी स्टेट्स होती हैं, 2 या 0 या 1। तो यहां पर जो स्टेट्स होंगी बाइनरी के अंदर वो हो सकती हैं 0 हो सकते हैं या 1, तीसरी स्टेट कोई भी नहीं आती ना डेसिमल्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एक ऑक्टेट की वैल्यू, जो कि सारी बिट्स 8 बिट थी, अगर 8 बिट की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो व्हाट विल दी वैल्यू इन डेसिमल, इन डेसिमल क्या वैल्यू होगी, 0 होगी डेसिमल के अंदर। और अगर हम एक ऑक्टेट की सारी बिट्स 1 कर देते हैं देन क्या वैल्यू होगी, 256 और 255, 255।